भगवान लवकुश जयंती के अवसर पर जगनेर रोड धनौली पर कुशवाहा समाज के द्वारा आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में नेताओं के साथ साथ समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भगवान लवकुश जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। धनौली स्थित मैरिज होम में धूमधाम के साथ भगवान लवकुश की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तमाम विधायक गण मौजूद थे, सांसद पत्नी भी मौजूद थी। साथ ही सांस्कृतिक कलाकारों ने शानदार अंदाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्रज का मयूर नृत्य भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा लवकुश कथा का भी वर्णन किया गया। नन्हे नन्हे कलाकारों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ उस गीत को प्रस्तुत किया जो लवकुश ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के सामने गाया था। पूरे उत्साह के साथ भगवान लवकुश की जयंती मनाई गई। तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर जी ए धर्मेश, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा कह रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो मर्यादा का पाठ पढ़ाया उसी मर्यादा पर चलने की आवश्यकता है, समाज के उत्थान की आवश्यकता है। देखिए ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुयोग्य पुत्र लवकुश, उनकी आज जयंती का कार्यक्रम है और आगरा के समस्त कुशवाहा समाज के द्वारा आज उनकी जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं अपनी तरफ से सभी यहाँ के निवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो ऐसे मौके पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि भगवान लवकुश, जैसे कि अभी कहा गया था मंच के माध्यम से कि एक चौराहे पे आप लवकुश की मूर्ति लगाई जाए, मेरा मानना यह है कि हम भगवान लवकुश है और भगवान की मूर्ति चौराहे पे नहीं, मंदिर में लगाई जाती है, घर में लगाई जाती है। तो हम लोगों ने आज संकल्प ले रहे हैं कि भगवान लवकुश की मूर्ति हम लोग प्रत्येक घर में हो, ऐसा हम लोग आप सभी से निवेदन करेंगे कि भगवान लवकुश की मूर्ति और या तस्वीर प्रत्येक घर में लगवाई जाए। कुशवाहा समाज में जबरदस्त उत्साह था। लवकुश जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद थे, तमाम नेता भी मौजूद थे, कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने संकल्प भी लिया, हम सभी को एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करना होगा, समाज हित में काम करना होगा। आज लवकुश जयंती टीआर मैरिज होम में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसमें हर्षोल्लास में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आज हमारे इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों ने बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने ये संदेश दिया है कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए और समाज में एकजुटता बनी रहनी चाहिए, समाज उत्थान की ओर चलना चाहिए और समाज को एकजुटता करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा आज लवकुश जयंती टीआर उस सब भवन में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और कुशवाहा समाज के युवा जागृत हो चुके हैं और लगातार युवा जागृत हो रहा है और अपने क्षेत्र में जो भागीदारी जैसे किसी भी विषय में भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग कुशवाहा समाज का युवा आज ले रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश जयंती के अवसर पर अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।